नमस्कार, मैं कथक नृत्यांगना नलिनी कमलिनी में से नलिनी। कहते हैं जीवन समस्याओं का भंडार है, लेकिन मनुष्य भी बहुत चतुर है, हर समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता है। मैंने बहुत पुरानी बात आपसे शेयर करनी है। कहते हैं प्रिवेंशन इज द क्योर, लेकिन इसका तो कोई क्योर ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, वो क्योर भी प्रिवेंशन है और प्रिवेंशन भी रखना है। अभी तक जो हम करते आए हैं, दूरी बनाए रखना, बच के रहे हैं, और किसी से ना हाथ मिलाना, नमस्कार भारतीय संस्कृति में करना, वो तो एक इनिशियल पोजीशन थी। लेकिन अब हमारी थर्ड स्टेज आ रही है, उसमें हमें क्या करना है, मनमुख होके रहना है, सन्मुख होके नहीं रहना है। समाज से थोड़ी सी दूरी कर लीजिए, थोड़ी विरक्ति ले लीजिए, और अपने आप में थोड़ी समय खो जाइए, विचार अधीन हो जाइए, कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए, कुछ देखिए, कुछ समझिए, अपने आप के अंदर से कुछ अच्छी चीज़ें खोजिए। इससे क्या होगा, कोरोना वायरस आपसे निराश हो जाएगा, क्योंकि उसको साथी ही नहीं मिलेगा हाथ मिलाने के लिए। हम तो उसको इतना दूर कर देंगे कि वो हमसे दुखी होकर चला जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, भारतीय लोग अपनी सभ्यता के अनुकूल यदि रहे, पांव धोके घर के अंदर आए, जूते बाहर उतारे, आते ही कपड़े बदल लें, किसी से हाथ ना मिलाएं, नमस्कार करें, और सुबह एक छोटी सी अग्यारी जला लें धोनी, उससे भी एक माहौल पवित्र हो जाएगा। शाकाहारी रहना तो हमारी सभ्यता में है ही, तो मुझे लगता है हम इससे बहुत अच्छी तरीके से दूरी बना सकते हैं और ये हमसे निराश होके चला जाएगा। कहते हैं ना, वो अपने जोम में था, बेखबर रहा मुझसे। वो कहते हैं हमसे, वो अपने जोम में था, बेखबर रहा मुझसे, उसे घुमा भी नहीं, मैं नहीं रहा उसका। तो वो हमारा नहीं रहे, इससे हम मुक्ति पा जाएंगे। और फिर मिलते हैं जल्दी से, एक स्वस्थ मन से फिर हाथ मिलाएंगे। कितनी जल्दी हो सकता है ये हम देखते हैं, हमारे ऊपर निर्भर है। थोड़े समय के लिए बिल्कुल पार्टी, मिलन, आना जाना, और तो सबसे बड़ा सहयोग हमारा सरकार का है। देखिए, स्कूल बंद हो गए हैं, सब जगह के जितने भी कार्यक्रम होने थे, हम भी तो बैठे हुए हैं, हमारे भी तो कार्यक्रम बंद है, लेकिन क्या कर रहे हैं, हम कंपोजिशन कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं, अपने मित्रों से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, ये भी तो एक दूसरे से भाईचारा निभाना होता है। नमस्कार, फिर मिलते हैं, स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं।